अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर डॉक्टर जाहिद नजीर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मंथली टेस्ट वन। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर वन कंसर्निंग टेम्परेचर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए एंजाइम आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट, बी मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सी मोस्ट एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डी एंजाइम्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द ई enzymes are completely destroyed at 37 degree centigrade. So you know very well, accordance with temperature, answer should be C. Most of the enzymes are highly activated at 37 degree centigrade. We have discussed in the previous lecture in the chapter enzyme. Question number 2, the pesticide DDT and parathion आर इनहेबिटर ऑफ की एंजाइम इन दी? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सी डाइजेस्टिव सिस्टम, डी नर्वस सिस्टम, ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी बुक में जो बॉक्स बना हुआ है फीडबैक इनहेबिशन वाले पेज पर, वहां आंसर लिखा हुआ है कि दीज केमिकल्स आर इनहेबिटर फॉर नर्वस सिस्टम, सो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिशन द बाइंडिंग साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए प्रोस्थेटिक साइट, बी प्रोस्थेटिक या प्रोस्थेटिक साइट्स, सी एलोस्टेरिक साइट, डी एलोएंजाइम साइट। तो याद रखिएगा the allosteric site binding for non-competitive inhibitor, answer should be C. Question number 4, a compound formed from sugar and nitrogenous base jointed by the glycosidic bond is a purine, b nucleoside, d nucleotide, c nucleotide, d glycoside. सो न्यूक्लियोसाइड, जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कंबाइन होती है तो यू नो वेरी वेल बनता है न्यूक्लियोसाइड, देन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो आंसर शुड बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन नाइट्रोजनस बेस विच ऑफ देम विथ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर? ए एडिनाइन, बी साइटोसाइन, सी ग्वानाइन, डी ऑल आर डबल रिंग। So answer should be cytosine, that is single ring, the pyrimidine base. Then question number 6, a DNA fragment. Yaad rakhiyega, aapko do DNA fragment diye gaye hain, isme adenine bind with thymine, guanine with cytosine, thymine with adenine, cytosine with guanine, adenine with thymine, guanine with cytosine, thymine with adenine and guanine with thymine. How many hydrogen bonds are involved in holding the two strands of DNA molecule together? अब ये दोनों strands के अंदर कितने number of hydrogen bond बनेंगे? You know very well, adenine और thymine में 3 bond होते हैं, cytosine guanine में 2 bond होते हैं, सारे bond को आप calculate कर लें, आपका answer आपको मिल जाएगा। Option A 18, B 20, C 22, D24, you know very well, answer should be 20. So total number of bonds जो बनेंगे hydrogen, that would be 20. Then question number 7, hemoglobin is composed of option A 3 alpha and 1 beta chain, B 3 beta 1 alpha, C 2 alpha 2 beta chain, D 3 beta and 2 alpha. Answer should be 2 alpha and 2 beta. We have discussed in the structure of protein.
क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. आंसर शुड बी सी. क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल और लिविंग सिस्टम इज ए एमआरएनए, बी टीआरएनए, सी आरआरएनए, डी आलआर, ऑल प्रेजेंट इक्वली. यू नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ द आरएनए इज आरआरएनए, दैट वुड बी 70% नियर बाय, सो आंसर शुड बी सी. देन क्वेश्चन नंबर 9, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ए पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, बी पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, सी बोथ ए बी, डी नन ऑफ दीज. वी हैव डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड आर कीटोन, सो आंसर शुड बी सी. देन क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट्स द क्लास ऑफ मॉलिक्यूल नॉन एज न्यूक्लियोटाइड. ऑप्शन ए अ नाइट्रोजीनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, बी अ नाइट्रोजीनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर, सी अ फॉस्फेट ग्रुप, अ एडिनाइन और अ यूरेसिल. ऑप्शन डी अ नाइट्रोजीनस बेस, अ फॉस्फेट ग्रुप, अ पेंटोज शुगर. सो इन द न्यूक्लियोटाइड थ्री कंपोनेंट्स आर देयर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोबेस एंड the phosphate group. So answer should be D. Okay. Now the question number is 11. Select the correct answer statement regarding the NAD, nicotine amide adenine dinucleotide. 1. Vitamin constituent. 2. Act as coenzyme. 3. Carrier of electron. Option A 1 and 2. Option B 1 and 3. Option C 3 and 2 and 3, option D 1, 2 and 3. So all are the function of NAD, so answer should be 1, 2 and 3. Then question number 12 is, magnesium is an inorganic activator for the enzyme A amylase, B carbonic anhydrase, C phosphatase, D esterase, E none of these. So answer should be phosphatase, because magnesium is the activator for phosphatase enzyme. Okay. Now the question number 13 is, the important role played by enzyme during reaction is A. Increase energy of activation of reaction, B. The maintenance energy of activation of reaction, C. Lower down energy of activation of reaction, D. No effect on energy of activation of reaction. So you know very well for enzymatic action enzyme ka kaam hi activation energy ko lower down karna hai, so answer should be C. Then question 14, from the given technique which is used to determine the nutrient requirement of plants, A hydroponic, B RDNA technology, C cloning, D none of these. So answer should be hydroponic. Humne piche padha tha by this technique we can determine the mineral requirement of the plant. Question number 15, on hydrolysis triglyceride yields A a fatty acid and 3 glyceride, B 3 fatty acid and 3 glycerol, C 2 fatty acid and 2 glycerol, D a fatty acid, a glycerol and 3 fatty acid. So a glycerol and 3 fatty acid in triglyceride और ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं, सो आंसर शुड बी डी. देन क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीसेक्राइड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिमिलर इन दैट दे ए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मोनोमर्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बी are synthesized from the monomers by dehydration reaction, C are synthesized as a result of peptide bond formation between monomers, D all containing nitrogen in their monomers building blocks. So answer should be A. Oh sorry, answer should be है B आपका. जितने भी lipids as well as proteins एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं रिएक्शन डिहाइड्रेशन
रिएक्शन है, इसे हम हाइड कंडेंसेशन भी कहते हैं। सो आंसर शुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 17, द लाइट सेंसिटिव सॉरी द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द अट्रैक्शन कॉल्ड? ए कोवेलेंट बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी आयनिक बॉन्ड, डी हाइड्रोफिलिक बॉन्ड। सो आंसर शुड बी ए हाइड्रो सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अट्रैक्टेड होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द वाटर लाइक दिस। अब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब एच पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव से मिलते हैं तो बॉन्ड विल बी कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अट्रैक्शन शुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइन ऑफ फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, ऑल आर ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट्स एल्स दे आर मोर कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स, दे हैव मल्टीपल ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन ऑफ देयर फैटी एसिड्स, सी दे आर जनरली सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर, डी दे हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सो इनकरेक्ट ढूंढना है हमने, आंसर शुड बी बी, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एनिमल फैट्स में, इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। आंसर शुड बी बी। हमने देखा था कि जो फैटी एसिड होंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है इन केस ऑफ फैट्स, और फैट्स कहां होती है इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, सो द आंसर शुड बी बी। देन 19, ऑल आर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट ए मिल्क, बी मीट, सी स्ट्रीम, डी पल्सिस। तो याद रखिएगा, स्ट्रीम लिपिड है जो कि फैट्स की फॉर्म है, मीट में होती है, ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है, याद रखिएगा। आंसर शुड बी सी। देन रिगार्डिंग एंजाइम मॉलिक्यूल आ ए हमारे पास ऑप्शन है, ग्रेटर इन साइज देन दी सब्सट्रेट, बी स्मॉलर इन साइज देन सब्सट्रेट, सी ऑफ सेम साइज एज सब्सट्रेट, डी नो रिलेशन विद द सब्सट्रेट। तो आंसर शुड बी ग्रेटर इन साइज देन सब्सट्रेट, आंसर शुड बी ए। देन 21, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ए हीट सेंसिटिव बट नॉट पीएच सेंसिटिव, बी पीएच सेंसिटिव बट नॉट हीट सेंसिटिव, सी बोथ पीएच एंड हीट सेंसिटिव, डी नाइदर पीएच नॉर हीट सेंसिटिव, ई केमिकली चेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो द ट्रू आंसर इज द सी, बोथ पीएच एंड हीट सेंसिटिव, वी हैव डिस्कस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ देम इज अ नॉन मटेरियल पॉल्यूशन, ए एयर, बी वाटर, सी लैंड, डी रेडिएशनल पॉल्यूशन। सो रेडिएशनल पॉल्यूशन इज द नॉन मटेरियल पॉल्यूशन, दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन में अभी अल्फा बीटा गामा आर वी कैन से दैट एक्स रेस। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज वी सा द अमेबा इन द कंटामिनेटेड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कॉल्ड ए हेलमेंटोलॉजी, बी नेमाटोलॉजी, सी प्रोटोजोलॉजी, डी नन ऑफ दीज। सो अमेबा इज अ प्रोटोजोन, सो दैट वी कैन स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, द स्टडी कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, इन द गार्डन वी हैव सिलेक्टेड 18 मैंगो प्लांट फॉर द साइंटिफिक स्टडी, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए डेटा कलेक्शन, बी ऑब्जर्वेशन, सी एक्सपेरिमेंट, डी बोथ ए बी। आंसर शुड बी डेटा कलेक्शन, क्योंकि हमने नंबर्स एंड डिजिट्स में ले लिया है फैक्ट्स को, दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। आंसर शुड बी ए। 25 क्वेश्चन, स्टेराइड न्यूक्लियस हैविंग ए 3-6 कार्बन रिंग एंड 1-4 कार्बन रिंग, बी 3-6 कार्बन रिंग 1-5 कार्बन रिंग,
सी 2-6 कार्बन रिंग एंड 2-5 कार्बन रिंग, डी 1-6 कार्बन रिंग एंड 1-5 कार्बन रिंग. सो आंसर शुड बी 3-6 कार्बन रिंग ए बी सी एंड डी विथ 5 कार्बन, दैट इज कॉल्ड स्टेराइड न्यूक्लियस. आंसर शुड बी बी. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाइल एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द स्पेशलाइज्ड कोडॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन और ऑल ऑफ दीज. तो सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. आंसर शुड बी ए. क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन नेचर, ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी ग्लाइकोजन, डी नन ऑफ दीज. सो आंसर शुड बी ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन द ह्यूमन बींग, इट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर एज वेल इन द मसल. क्वेश्चन नंबर 28. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द ए साइटोप्लाज्म, बी एक्टोप्लाज्म, सी प्रोटोप्लाज्म, डी एंडोप्लाज्म, ई सेल वॉल. द ऑल एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल इन द प्रोटोप्लाज्म. सो आंसर शुड बी सी. क्वेश्चन नंबर 29. मोस्ट ऑफ विटामिन आर कोएंजाइम, बी कोफैक्टर, सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. आंसर शुड बी दी ए कोएंजाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम्स फॉर दी होलोएंजाइम आर वी कैन से दैट कंजुगेटेड एंजाइम. देन क्वेश्चन नंबर 30. व्हेन द प्रोडक्ट इज अबंडेंस इट बाइंड्स कंपिटेटिवली विथ एंजाइम एक्टिव साइट, एज द प्रोडक्ट इज यूज्ड अप मोर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्टिवेशन, बी द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, सी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, डी फीडबैक इनहिबिशन, ई एलास्टेरिक इनहिबिशन. सो आंसर शुड बी फीडबैक इनहिबिशन. जब प्रोडक्ट जो है अबंडेंस में होती है तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं ताकि रिएक्शन ज्यादा मजीद ना हो, मजीद प्रोडक्ट ना बने. इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं. द आंसर शुड बी डी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. थैंक्स.